बुलेटिन में आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। बड़ी खबर के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। बिना नामकरण के अस्पताल का उद्घाटन हो रहा है, पहले ही उद्घाटन अस्पताल का हो चुका है, इलाज चल रहा है यहाँ पर पेशेंट्स का। विवेक शेजवलकर का बयान सामने आया है इस पर। बीजेपी और कांग्रेस में नामकरण को लेकर दो मत है। सिंधिया के पिता के नाम पर नामकरण चाहते हैं कांग्रेस, किसी महापुरुष या प्रसिद्ध चिकित्सक के नाम पर नामकरण चाहती है। नामकरण को लेकर अस्पताल के विवाद छिड़ा हुआ है। सिंधिया पिता के नाम पर नामकरण चाहते हैं, वहीं कांग्रेस चाहती है कि जो नामकरण है वो अलग हो, अलग तरीके से हो, किसी और के नाम पर हो अस्पताल का नाम। उद्घाटन पहले ही हो चुका है लेकिन नामकरण अभी तक नहीं हुआ है इस अस्पताल का। इलाज चल रहा है, मरीज पहुँच रहे हैं अस्पताल में, लेकिन बिन नाम का ये अस्पताल। नामकरण को लेकर विवाद, पेच फंसा हुआ है नामकरण को लेकर इस अस्पताल के। तो नामकरण को लेकर अस्पताल में विवाद, बिना नाम के अस्पताल चल रहा है, बिना नामकरण के अस्पताल का उद्घाटन। सिंधिया चाहते हैं कि पिता के नाम पर उद्घाटन हो, बिना नामकरण के अस्पताल का उद्घाटन। अस्पताल में इलाज मरीजों का चल रहा है लेकिन नाम अस्पताल का नहीं। नहीं, अस्पताल चल रहा, शुभारंभ नहीं हुआ था वो, तो अस्पताल परेशान लेना था, इसलिए अस्पताल हमने चालू किया है। लोकार्पण अब होगा। पूजा पूजा भी कर देती सब। पूजा तो भाई किसी नए घर में प्रवेश किया जाता है तो पूजा हिंदू संत के सनातन धर्म में लिखा हुआ है, लेकिन लोकार्पण अब माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अब किया जाएगा। नामकरण को लेकर नहीं, उसके वजह में हमें कोई संज्ञान नहीं है, वो वरिष्ठ कार्यालय या वरिष्ठ लोग ही कुछ बता सकते हैं। नवीन परसर जय रोग चिकित्सालय 1000 बिस्तर अस्पताल। नहीं, मेरी जानकारी में इस तरह का कोई राजनीति या और अलग कोई नाम दिए गए हो ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। हाँ, मेरा जरूर ये मत है कि उसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किया जाए, बाकी मेरी जानकारी के अनुसार कोई निर्णय शासन ने इसमें लिया नहीं है, शासन को निर्णय लिया है। लेकिन मेरी जानकारी में ये नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ ये का गढ़ ग्वालियर रहा है और अनेकों सदी अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, राजमाता सिंधिया जी हों, ऐसे अनेकों नेता यहाँ से हुए हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने भाजपा को आगे बढ़ाया। ऐसी स्थिति में भाजपा के जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से इसका नामांकन हो इस अस्पताल का, मेरा मानना है कि मेरी राय में ये मतलब मांग उचित है और वही मैंने रखी है। देखिए, जिस 1000 बिस्तर अस्पताल को आप अस्पताल बता रहे हैं, हम उस 1000 बिस्तर के अस्पताल का भवन बताती है कांग्रेस, क्योंकि वहाँ चिकित्सा और उससे संबंधित कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, सिर्फ भवन है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की इवेंट की सरकार है, उनको इवेंट करना होता है, उनको इवेंट में भी प्रतिस्पर्धा है। यदि मुख्यमंत्री को मौका नहीं मिला और वो उद्घाटन नहीं कर पाए तो बहुत जल्दी में कहीं ना कहीं सिंधिया जी उसका उद्घाटन कर जाएंगे, तोमर साहब कर जाएंगे, तो ये उद्घाटन की जो प्रतिस्पर्धा है इसमें उन्हें ध्यान ही नहीं है कि किसी महापुरुष के नाम से, बल्कि कांग्रेस तो ये सलाह देती है कि अंबेडकर जी के नाम से, या मैं तो कहूँगा किसी विख्यात चिकित्सक के नाम से, जैसे बीडी चौरसिया एक बहुत विख्यात यहाँ के चिकित्सक हुए मेडिकल साइंस के, एनाटॉमी के, जिनकी विश्व भर में पुस्तक चलती है, क्यों ना उनके नाम से रखा जाए। आज मुझे लगता है चिकित्सकों का, डॉक्टरों का मनोबल भी बढ़ेगा और ऐसा व्यक्ति जो जिस फील्ड से आता है उसके नाम का प्रचार प्रसार होगा। तो कांग्रेस तो ये चाहती है कि किसी अच्छे चिकित्सक, बड़े चिकित्सक के नाम से इस अस्पताल का नामकरण हो, साथ में ये भवन जो है वो अस्पताल में परिवर्तित हो जाए सबसे पहले, उसके बाद इसका उद्घाटन किया जाए।
ऑनलाइन पर संतोष जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष, अस्पताल चल रहा है, मरीज पहुंच रहे हैं, ओपीडी हो रही है, इमरजेंसी सेवाएं हैं, लेकिन अस्पताल का नाम नहीं अभी तक अस्पताल को मिला है। सियासत इस पर जबरदस्त हो रही है, कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, अस्पताल को आखिर नाम कब मिलेगा, कब मिलेगी पहचान? बिल्कुल आपका कहना सही है। जिस दिन से इस अस्पताल के निर्माण की आधारशिला रखी गई थी और भूमि पूजन हुआ था, उसी दौरान एक विवाद भी हुआ था। जब वर्ष 2018 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तो उस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस अस्पताल का भूमि पूजन किया था और विरोध में बीजेपी के पूर्व मंत्री अरुण मिश्रा वो उतर आए थे, क्योंकि बीजेपी चाहती थी और उनके अरुण मिश्रा के समर्थक चाहते थे पूर्व प्रधानमंत्री ग्वालियर के लालले अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से अस्पताल का नामकरण किया जाए। लेकिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और अपने पिता के नाम पर, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के नाम पर इस अस्पताल का नामकरण चाहते थे और समर्थक उनके भी चाहते थे कि सिंधिया के नाम से ये अस्पताल का नामकरण किया जाए। लेकिन 2020 में परिस्थितियां बदली हैं, उसके बाद अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के नेता हो गए हैं, उनके जो समर्थक मंत्री विधायक और कई कार्यकर्ता हैं अब बीजेपी के नेता हैं, तो ऐसी स्थिति में अब उन्होंने नामकरण को लेकर चुप्पी तो साध ली है, लेकिन बीजेपी के इस बिना नामकरण के अस्पताल को लेकर अब कांग्रेस तंज कस रही है, क्योंकि बीजेपी के ही वरिष्ठ यहाँ पे नेता है, पूर्व महापौर रह चुके हैं, ग्वालियर सांसद है विवेक नारायण छेजवल, उनका कहना है कि मैंने अपनी ओर से मांग उठाई है इस अस्पताल का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से किया जाए, क्योंकि उन्होंने जनसंघ की स्थापना की है, पार्टी को आगे बढ़ाया है, उन पार्टी में एक बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है। वहीं कांग्रेस का कहना है इसी किसी महापुरुष के नाम से या किसी जो इसी फील्ड का व्यक्ति हो, कोई वरिष्ठ चिकित्सक हो रहा हो, उसके नाम से इस अस्पताल का नामकरण किया जाए। वहीं कांग्रेस का तंज भी है कि बीजेपी में इस समय चुनावी मौसम में लोकार्पण और उद्घाटन करने की प्रतिस्पर्धा चल रही है, सीएम को डर है कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया इसका लोकार्पण ना कर दे, वहीं सिंधिया को डर है कहीं नरेंद्र सिंह तोमर इस अस्पताल का लोकार्पण ना कर दे। चलिए ठीक है, संतोष आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी लेंगे आपसे डिटेल्स।